हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी पंजाबी स्टाइल छोले बनाने की रेसिपी। तो इस रेसिपी को सीखने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है छोला। इसे मैंने रात को भिगो के रख दिया था, आप चाहें तो 4-5 घंटे पहले भी भिगो के रख सकते हैं। अब इसमें मैं पानी ऐड करूँगी 1 कप और 1 चम्मच नमक। और अब हम इसे बॉईल करेंगे मीडियम फ्लेम पे 5 से 7 सीटी तक लगने तक। अब मैं इसके लिए यहाँ पे छोले मसाला तैयार कर लूँगी। इसके लिए मैंने लिया है जीरा, लौंग, सौंफ, दालचीनी, काली मिर्च, जावित्री और धनिया। अब इन सारे मसालों को मैं आधे मिनट के लिए एक पैन में रोस्ट कर लूँगी। इसे आपको चलाते रहना है ताकि ये जले ना। इसके रोस्ट होने के बाद मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी और ग्राइंड करने के बाद हमारा होममेड छोले मसाला पाउडर रेडी हो जाएगा। इसके बाद मैं एक पैन लूँगी और उसे हीट करूँगी। अब मैं यहाँ पे तेल ऐड कर रही हूँ। मैंने 5 बड़े चम्मच तेल यूज़ किया है। मैंने यहाँ पे ऑलिव ऑयल यूज़ किया है, आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल या फिर मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर सकती हैं। अब तेल को गर्म होने दीजिए मीडियम फ्लेम पे। और इसके बाद मैं यहाँ पे इसमें जीरा, छोटी इलायची, तेज़पत्ता और दालचीनी ऐड कर रही हूँ तड़का लगाने के लिए। इसे थोड़ा सा चलाएंगे और इसके बाद इसमें ऐड करेंगे बारीक कटे हुए प्याज। मैंने यहाँ पे 3 बड़े साइज़ के प्याज यूज़ किए थे, आप चाहे तो कम भी कर सकते हैं, लेकिन कम करने से इसकी ग्रेवी उतनी थिक नहीं बनेगी। अब इसे हमें फ्राई करना है अच्छे से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। जब तक कि ये गोल्डन फ्राई ना हो जाए हम इसे कवर कर देंगे। तो हम पैन को कवर कर देते हैं और 5 मिनट के बाद हम पैन का कवर हटा देंगे और इसका फ्राई हो चुका है। अभी अच्छी तरीके से फ्राई हो गया है तो इसमें अब हम ऐड करेंगे ये अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च जो कि बारीक कटी हुई है। मैंने यहाँ पे 2 हरी मिर्च यूज़ की थी, आप चाहें तो इससे कम भी यूज़ कर सकते हैं। और अदरक और लहसुन का जो पेस्ट था वो 1-1 चम्मच मैंने यूज़ किया था। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे थोड़ा सा फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे बारीक कटे हुए टमाटर, आप चाहे तो टमाटर की प्यूरी भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 बड़े साइज़ के टमाटर यूज़ किए हैं। इसे अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे और मिला लेंगे। और जब हमारे टमाटर गल जाएंगे तब हम इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे। तो इसे 5 मिनट के लिए हम कवर कर देंगे इस तरीके से पैन को। अब 5 मिनट के बाद जो कि हमारे टमाटर बिल्कुल अच्छी तरीके से गल गए हैं तो हम इसमें 1 चम्मच नमक ऐड कर लेंगे। ध्यान रहे कि आपने छोले को उबलने के समय नमक ऐड किया था तो नमक कम ऐड करें। फिर 1 चम्मच हल्दी ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे। और अब रेड चिली पाउडर 1 चम्मच। रेड चिली पाउडर ये जो कलर के लिए है, ज़्यादा इससे तीखा नहीं होता है। आप चाहे तो इसके जगह पे कश्मीरी या देगी मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। ये सिर्फ कलर के लिए होता है और एक अच्छा फ्लेवर आता है। इसके फ्राई हो जाने के बाद हम यहाँ पे होममेड छोला मसाला पाउडर यूज़ कर रही हैं। इसे ऐड करके अच्छे तरीके से मिला लेंगे। अब हमारा ये जो मसाला है ये बिल्कुल फ्राई हो गया है और हल्का हल्का इससे तेल निकल रहा है। तो इसमें जो हमारे छोले थे उबले हुए उसे ऐड कर लेंगे। ध्यान रहे कि आप छोले को अच्छे से दबा के देख लीजिए कि आपके छोले पके हैं कि नहीं। अगर आपको लगता है कि छोले आपके अच्छी तरीके से पके नहीं हैं तो आप उसे 1-8 सीटी और लगा सकते हैं। छोले को ऐड करने के बाद आप इस तरीके से थोड़ा सा छोले को मैश कर लीजिए। छोले को मैश करने से आपकी सब्जी की जो ग्रेवी है वो बहुत ही थिक बनेगी और बहुत ही अच्छी बनेगी।
इसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ चाट मसाला पाउडर 1 चम्मच। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप अमचूर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच और इन मसालों को अच्छी तरीके से मिला लीजिए। और इसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ छोले का जो स्टॉक था वो, यानी कि छोले को जिस पानी में हमने उबाला था वही पानी मैंने यहाँ पे ऐड किया है। इसके अलावा 1 कप पानी और ऐड किया है मैंने यहाँ पे। अब हम इसे 10 मिनट के लिए कवर करके मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, जब तक कि छोले के पानी में एक बॉयल ना आ जाए। इसके बाद इसका हम कवर हटा देंगे और इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच मक्खन। अगर आप मक्खन नहीं यूज़ कर सकते हैं तो आप घी भी यूज़ की जगह पे यूज़ कर सकते हैं, बट मक्खन से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे मक्खन यूज़ किया है। अब इसे कवर कर देंगे और ये गर्मा गर्म रेडी है सर्व करने के लिए। अब इसे धनिया की पत्तियों से गार्निश कर लीजिए और साथ ही मिर्चे को इस तरीके से लेयर में काट के इसके ऊपर डेकोरेट कर दीजिए और बन गया हमारा पंजाबी स्टाइल छोला बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए जो कि बिल्कुल फ्री है। तो मैं मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में।